पिछली क्लास में हम लोगों ने दो चीजों को कवर किया था जो जिसकी मैं बात कर रहा था, थैंक यू सो मच। और वो दो चीजें थी, पहला था हमारा स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बात करते हैं, एवरीबडी ये सुनो, स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसका दूसरा नाम डिजाइन के नाम से भी लोग जानते हैं और तीसरा इसका नाम पैटर्न के नाम से भी था, एवरीबडी ये सुनो, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हर एक सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पैटर्न होता है, बेसिक डिजाइनिंग होती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? और इस पहले पॉइंट के बाद जो अगला पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था, पहला पॉइंट अगर वेल अंडरस्टूड है तभी हमको अगले लेवल पे जाना चाहिए, मैं क्लियर बता दूंगा। अगला पॉइंट जो था वो मैंने बोला था कन्वर्जन, जिसमें मैंने समझाया था तुम लोगों को कि ये होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें मैंने बोला था किसी भी एक सेंटेंस को हम मैक्सिमम कितने तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, छह तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी वेल सेड। और बाद में मैंने बताया था कि ये जो छह तरीका होता है कन्वर्जन का, ये छह तरीका क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव, सभी लोग बोलेंगे, और दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, जिसमें हमने देखा था कि दोनों एक ही फैमिली का सेंटेंस है और हम इसे स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, एवरीबडी ये सुनो। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगला जो कैटेगरी, अगला जो नेचर शुरू होता है वो था क्वेश्चन का, किसका था, और क्वेश्चन में वो क्या आ रहा था, क्वेश्चन। और हमने देखा था इंट्रोगेट यानी पूछताछ यानी इंट्रोगेशन यानी सवाल जवाब, तो ये एक्चुअली क्या था, ये एक क्वेश्चनिंग वाला मामला था, एवरीबडी ये सुनो। और हमने ये भी देखा था कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं इसका जवाब हम मात्र एक वर्ड में दे सकते हैं, यस या नो, ध्यान रखना था। ध्यान रहे हम कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज की क्लास इसी को लेकर के आगे बढ़ेगी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर यही जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है ये एक्चुअली इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ये हमारा पढ़ा हुआ है, एवरीबडी यस नो। फिर हमने देखा था कि क्वेश्चन की एक और कैटेगरी होती है जिसमें यस नो बोल देने से काम नहीं चलता, उसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन। और हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन तो वो भी है, क्वेश्चनिंग कैटेगरी ही है, लेकिन क्वेश्चन की वो एक अलग कैटेगरी थी जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि हम उसे क्या कह सकते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। और छठा हमने बनाया था डब्ल्यू एच क्वेश्चन। जस्ट क्विक रिमाइंडर टू एवरी वन कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बारे में हमने क्या कहा था, वो सारे क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, ऑल राइट, जैसे व्हाट ये डब्ल्यू एच की कैटेगरी में है, व्हेन डब्ल्यू एच की कैटेगरी में है, व्हाई डब्ल्यू एच की कैटेगरी में है, व्हेयर डब्ल्यू एच की कैटेगरी में है, एक हाउ था जो केवल एच से शुरू हो रहा था, लेकिन इसे भी हम डब्ल्यू एच की ही कैटेगरी में रखते हैं। फिर हमने देखा था कि एक रूम हो सकता है, एक विच भी हो सकता है, ये सारे के सारे एक्चुअली क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। क्यों है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बताया था कि सब के शुरुआत में क्या लगा हुआ है, डब्ल्यू एच लगा हुआ है, केवल हाउ में केवल एच से शुरू हो रहा है। ये सारी हमारी पिछली क्लासेस की पढ़ाई थी, एवरीबडी आई होप आई एम क्लियर विद माय पॉइंट। अब एक चीज को तुमको ध्यान से समझाना चाह रहा हूं, उसको देखो, अभी मैंने बोला कि कन्वर्जन, आज की पढ़ाई कन्वर्जन से आगे बढ़ेगी। पहला हमने देखा था कि सेंटेंस के पैटर्न स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि सेंटेंस का कन्वर्जन क्या होता है, अब हम कन्वर्जन से सेंटेंस को आगे लेकर के बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि कन्वर्जन से आगे लेकर के बढ़ें, हम आज का नया टॉपिक पकड़ना चाहेंगे जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। ये आज का टॉपिक है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। अभी कुछ लिखना नहीं है किसी को, केवल आप लोग सुनिए, लिखने का टाइम मैं अलग दूंगा, अभी आप लोग सवाल जवाब करें, चीजों को समझने की कोशिश करें। एक नंबर सिस्टम तुमने बेटा मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, यस नो, क्लियर, जिसमें होल नंबर और तमाम तरह के नंबर्स तुम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो भी तरह के थे, वो नंबर सिस्टम होता है। इंग्लिश में नंबर सिस्टम से हमारा कुछ और मतलब है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को आज हम समझाने की कोशिश करेंगे, और यही पर्पस है कि इस वीडियो के थ्रू भी हम लोग वही जानने की कोशिश करेंगे जो क्लास में बैठे हुए बच्चे समझ रहे हैं। अब जो सवाल पूछोगे एकदम नेचुरली समझना, और केवल समझते समझते ही तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर हम समझ गए, लिख लोगे तो नोट्स बन जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट मेरे बोलने से ही क्लियर हो जाएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मान लो कि हम सभी लोग यहां अभी क्लास कर रहे हैं, सपोज करो दैट एन अर्थक्वेक कम्स,
ऑलराइट, भूकंप आ जाए, हम सभी लोगों को किसके जान की चिंता होगी? अपनी जान की चिंता होगी। ऑलराइट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि तुम जो कहना चाह रहे हो, तुमने बोला कि सर मैं, हम सभी लोगों को अपनी जान की चिंता होगी, हम सभी लोग अपना जान की चिंता करेंगे तो यहां से दौड़ के भागने का प्रयास करेंगे। एवरीबॉडी यस नो? इसका ये मतलब हुआ कि तुम ये कहना चाहते हो कि सर ये जो मैं है ये बेसिकली फर्स्ट पर्सन है। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं फर्स्ट पर्सन हुआ? एवरीबॉडी यस नो? और एक और बात अगर हम लोग देखें तो हम ये पाते हैं कि मैं जो है ये अकेला भी है। जब मैं कह रहा हूं मुझे अपने जान की चिंता होगी, मैं भागूंगा अपनी जान बचाने के लिए, तो मैं कैसे भाग रहा हूं? अकेला भाग रहा हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये सिंगल भी है? एवरीबॉडी यस नो? अब इंग्लिश में इसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ये लॉजिक भी आपको पता चल गया। क्यों ये फर्स्ट पर्सन है ये भी आपको समझ में आ गया। एवरीबॉडी यस नो? तो फर्स्ट पर्सन एंड देन सिंगुलर, ये हमारी पहली बात हो गई। अब नेचुरली मैथमेटिक्स में फर्स्ट के बाद किस नंबर का स्थान आता है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं सेकेंड पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन हो सकता है तो सेकेंड पर्सन भी तो हो ही सकता है। अब सेकेंड पर्सन कौन होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड पर्सन हमेशा वो व्यक्ति होता है जिससे हम बात करते हैं। एम आई क्लियर द पॉइंट? अब मेरे एक्सप्रेशन को देखो, मैं कह रहा हूं कि आई, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं किससे बात कर रहा हूं? तुमसे। तो मैं जिससे बात कर रहा हूं, तुम खड़ा जा जरा, मैं जिससे बात कर रहा हूं वो व्यक्ति क्या हो गया? यू। तो यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। अब मैं तुमको कहता हूं कि आई यानी फर्स्ट पर्सन लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूं, मेरे बच्चों मैं तुमको प्यार करता हूं। मैं क्लियर द पॉइंट? तो मैंने बोला आई लव यू, यानी आई कौन पर्सन है? और मैं जिसको भी देख के बोल रहा हूं वो क्या हो गया? अब मैं इसको बोलूं कि आई लव यू बेटा, या इसको बोलूं कि बेटा आई लव यू, या उसको बोलूं कि बेटा आई लव यू, मैं जिसको भी देख के बोलूंगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सेकंड कोई नहीं है, ध्यान रहे। ये सेकंड क्यों बना? क्योंकि मैं उससे बात कर रहा हूं। तो अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा तुम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं आई लव यू, ध्यान रखना मेरे एक्सप्रेशन को देखना, आई यानी फर्स्ट पर्सन लव यू, ठीक है? तो मेरे लिए कौन पर्सन तुम हो गए? इसी लाइन को तुम भी रिपीट करो इसी तरीके से जैसे मैंने रिपीट किया आई लव यू। अब जरा हम दोनों को देखो, ऐसे ही रहो, मेरे लिए तुम हो सेकेंड पर्सन और तुम्हारे लिए सेकेंड पर्सन कौन हूं? मैं हूं। एवरीबडी मैं क्लियर पर्सन, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट पर्सन मैं हूं। आई हमेशा फर्स्ट पर्सन और यू हमेशा सेकेंड पर्सन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अब उस बच्ची को खड़ा कर देते हैं, खड़े हो जाओ बेटा, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो अब मेरे लिए सेकेंड पर्सन कौन है? ये लड़का है ये लड़की? उससे बात कर रहा हूं, तुम भी बोलो आई नो यू। अब उसके लिए सेकेंड पर्सन कौन हो गया? मैं हो गया। एवरीबडी ये सुनो, लेकिन अगर हम लोग देखें, इस बच्चे को देखें जिससे मैं बात कर रहा था, या इस बच्ची को देखें जिससे मैं अभी बात कर रहा हूं, दोनों अकेले हैं। इसका मतलब ये सेकेंड पर्सन तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है? सिंगुलर भी है। तो इसे हम कहते हैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। सब बच्चा मेरी बात को समझ गया? लाउड एंड क्लियर? बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, जब फर्स्ट पर्सन हो गया तो फर्स्ट के बाद सेकंड पर्सन आया, ये दोनों सिंगल सिंगल है। अब सेकंड के बाद नेचुरली कौन पर्सन आएगा? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में मैं इस लड़की से बात करता हूं कि ही इज अ गुड बॉय। क्या कहा मैंने? ही इज अ गुड बॉय। मैंने वर्ड यूज किया ही। अब ध्यान रखो, मैं फर्स्ट पर्सन हूं और मैं सेकंड पर्सन से बात कर रहा हूं, और बात में किसके बारे में कर रहा हूं? अब दोनों के बीच में कौन आ गया? तीसरा आदमी। तो ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। मैंने तुमको कहा ही इज अ गुड बॉय। अब ऐसा करता हूं कि मैं तुमसे बात नहीं करता हूं, मैं तुमसे बात करता हूं। अब मेरे लिए सेकेंड पर्सन कौन है? तुम हो। और फर्स्ट पर्सन कौन हूं? मैं खुद हूं। अब मैं कहता हूं कि शी इज अ गुड गर्ल। अब हम दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति कौन आ गया? शी। तो मैं ही बोलूं चाहे शी बोलूं,
अब ही की जगह मैं उसका नाम बोल दूं कि भाई राजेश, या उसका नाम बोल दूं सुनीता, या रिश्ता जोड़ दूं कि माय ब्रदर इज अ गुड क्रिकेटर, तो क्या हो गया माय ब्रदर। तुम भी कह सकते हो कि माय टीचर, माय सिस्टर, माय फादर, माय मदर, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो सारे के सारे हैं, ये कौन हैं? ये वो हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। इनका जिक्र किन दोनों के बीच में किया जा रहा है? सेकंड पर्सन के जिक्र में। एवरीबॉडी ये सुनो, तो कहानी की शुरुआत तो मैंने की थी कि आई एम गुड, और फिर बाद में बोला कि आई लव यू, और अब बोल रहा हूं कि शी इज अ गुड गर्ल या ही इज अ गुड बॉय। लेकिन अगर ये दोनों आपस में बात करेंगे और मेरे बारे में बात करेंगे तो तुरंत से मैं कौन पर्सन हो जाऊंगा? थर्ड पर्सन सिमिलर नंबर। लेकिन जब कभी भी मैं जिक्र करूंगा अपना, तो हमेशा मैं अपने आप को कौन पर्सन रखूंगा? थर्ड पर्सन। जिससे बात करूंगा वो सेकंड हो जाएगा, चाहे तुम हो चाहे तुम हो, और जिसका भी जिक्र किया जाएगा वो क्या पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। एवरीबडी एम एक्लियर द पॉइंट? दोनों बच्चा बैठ जाओ। अब जरा सा ध्यान से देखते हैं, ये था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। सब लोग बोलो सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। बोलो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने देखा कि ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, हो सकता है राजेश भी हो सकता है, सुनीता भी हो सकता है, माय ब्रदर हो सकता है, माय फादर, माय सिस्टर, माय कंट्री, माय सिटी, माय प्लेस, आवर कॉलेज, कुछ भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी? थर्ड थिंग। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर में सबसे पहला नंबर आया फर्स्ट का, फिर आया सेकंड का, फिर आया थर्ड का, और अब अगला नंबर किसका आएगा? फोर्थ का। आना तो चाहिए लेकिन आ ही नहीं सकता इंग्लिश में। इंग्लिश में फोर्थ पर्सन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो फर्स्ट पर्सन है जो कह रहा है, दूसरा सेकंड पर्सन है जिसको कहा जा रहा है, और तीसरा थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब चौथे पर्सन की कोई जगह बचती है? कोई सीन बचता है कि सर अब चौथे पर्सन को कहीं घुसा दिया जाए? क्योंकि तीन ही तरह की चीज हो सकती है, एक तो जो आदमी बोलेगा, दूसरा जिसको बोलेगा, और तीसरा जिसके बारे में बोलेगा। तो इंग्लिश में तीन पर्सन के अलावा कोई चौथा पर्सन नहीं होता, क्योंकि चौथा पर्सन हो ही नहीं सकता। एवरीबडी एम एक्लियर द पॉइंट? अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग इस पॉइंट को और समझने की कोशिश करते हैं। सिंगल यानी अकेला, और सिंगुलर यानी एक से ज्यादा कोई चीज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल का मतलब ही होता है वन प्लस। वन प्लस यानी एक से ज्यादा, चाहे वो दो हो, चाहे दो बिलियन हो, या दो ट्रिलियन हो, एक से ज्यादा है तो वो क्या है? प्लूरल है। अब बताओ मैं यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसका प्लूरल क्या होता है? आपको मालूम है कि मैं का प्लूरल हम होता है। हालांकि बिहार में लोग हम सिंगुलर को भी मानते हैं। सर हम अकेले आ रहे हैं, जितने लोग थे कोई नहीं था सर, हम अकेले थे, हमको रात में बहुत डर लगा। ये हम को लोग यहाँ सिंगुलर में बोल देते हैं। बिहार में ऐसा बोला जाता है, भाषा की गलती है, हम से यहाँ मतलब मैं का ही होता है। लेकिन इंग्लिश में हम नहीं बोल सकते। इंग्लिश में अगर हम वी बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ एक से ज्यादा। जैसे हिंदी में तो मैं तुमको बोल सकता हूं कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, लेकिन फोन पर इंग्लिश में ये नहीं बोलूंगा कि वी आर कमिंग। वी आर कमिंग का मतलब तुम समझ जाना कि पुदार सर अपने साथ कुछ और भी लोगों को लेके आ रहे हैं, वो अकेले नहीं आ रहे हैं। तुमको अब दो ग्लास, चार ग्लास, पांच ग्लास चाय कॉफी का इंतजाम करना पड़ेगा। हम अकेले तो पहुंच ओके। अब यू एक व्यक्ति को भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको कह रहा था कि आई लव यू, आई लाइक यू, आई सपोर्ट यू, इस तरह का सेंटेंस में बोल रहा था एक एक आदमी को। लेकिन क्या मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहां जो मैं यू बोल रहा हूं, यू किसको बोल रहा हूं? मैं एक को बोल रहा हूं या सबको बोल रहा हूं? तुम समझ गई? तुम समझ गई? अब मैं सबको देख के बोलता हूं कि तुम समझ गए? तो दसों लड़कियां बोल उठती है कि समझ गए। अभी एक लड़के का चेहरा आंख से आंख मिला के बोलता हूं कि तुम समझ गए? तुम समझ गए? तुम समझ गए? एक एक बच्चे को आंख से आंख मिला के पूछ रहा हूं तो ये सिंगुलर हो गया। और नॉर्मली सबको देख के पूछता हूं कि तुम समझ गए? पूरा क्लास बोलता है कि हाँ सर, नो सर। तो यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। एवरीबडी मैं क्लियर द पॉइंट्स? अब ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हाँ, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है,
इस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को हम प्लूरल बना देते हैं, और जब प्लूरल बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, दे, क्या हो जाता है ये दे। एम एक्ला दो पॉइंट्स, तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि पर्सन तो केवल तीन हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन ही हो सकते हैं। एम एक्ला, और हमने देख लिया कि सर उसका सिंगुलर भी होगा और उसका प्लूरल भी होगा। एवरीबॉडी एम एक्ला दो पॉइंट्स, बोर्ड थोड़ा भर गया है तो मैं थोड़ा सा अगला पेज लेता हूं और अब दोबारा से तुमको चीजों को समझाता हूं, चीजों को ध्यान से समझना। अब इसमें ध्यान से इस बॉक्स को समझने की कोशिश करना क्योंकि आगे की पढ़ाई इसी बॉक्स पर चलेगी। ये साइड क्या है सिंगुलर, और ये साइड क्या है प्लूरल। ये जो ऊपर में बॉक्स बना कौन पर्सन, और ये जो बीच में बना कौन पर्सन, और जो नीचे बना वो, थोड़ा इसको क्लैरिटी के लिए मैं और कर दूं सिंबॉलिकली, ये जो है ये अकेला है तो सिंगुलर, और ये जो है ये क्या है वन प्लस या इससे ज्यादा जो भी हमको मानना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या लिखूं मुझे नहीं मालूम, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या लिखूं, वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या लिखूं, यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, हमको मालूम है कि कब सिंगुलर और प्लूरल क्यों हो जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आ सकता है, शी, कोई भी नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने राजू ले लिया, कोई भी रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल मैंने माई ब्रदर ले लिया, माई कॉलेज ले लिया, ये सब कौन पर्सन है, माई कंट्री ले लिया, ये सब सब कौन पर्सन है, ये सारा का सारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। एवरीबडी ये सुनो, और थर्ड पर्सन सिंगुलर, मान लिया कि मैं कहता हूं कि ही इज अ गुड बॉय, 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 चार लोगों को मैंने बोला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कि राजू भी अच्छा है, सुनील भी अच्छा है, मोहन भी अच्छा है, विनीत भी अच्छा है। अब इस राजू, सुनील, मोहन, वह अच्छा है, वह अच्छा है, वह अच्छा है को मैं क्या बोल दूंगा, वे अच्छे हैं, वे यानी क्या हुआ, आई होप माई कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्या आप सभी लोग नंबर सिस्टम को समझ गए, सिमिलर क्या होता है, क्यों होता है, प्लूरल क्या होता है, क्यों होता है, और क्यों फोर्थ पर्सन नहीं हो सकता, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब ये जो तुमने देखा है इसका इस्तेमाल है, इसीलिए मैंने तुमको पढ़ाया, और इसका इस्तेमाल क्या है, अभी जो हम बातचीत करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसमें इस छह कैटेगरी को हम शॉर्ट में सीधा, इस छह कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और इसको हम आगे की पढ़ाई में इस तरह के सिंबल से डिनोट करेंगे। एवरीबडी एम एक्ला दो पॉइंट्स, तो जब कभी भी मैं सब्जेक्ट बोलूंगा तुम समझ जाओगे इस सर किसकी बात कर रहे हैं, तीनों पर्सन और दोनों नंबर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, यानी पोदार सर किसकी बात कर रहे हैं, पोदार सर इस छह कैटेगरी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस छह कैटेगरी को मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा, कैपिटल एस लिख करके, या तो सब्जेक्ट कहा करूंगा या इस तरह का फोटो बनाकर उसको सब्जेक्ट से डिनोट करूंगा। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? यस सर। चलिए, अब जो आज की पढ़ाई थी वो पढ़ाई ये थी जो कि हमने नंबर सिस्टम से शुरू किया था, कॉपी खोली और इसको सब लोग उतार दिया, बंद करो।